वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त जयंती नटराजन के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। पर्यावरण संबंधित अनुमतियां मिलना, उसमें वर्षों वर्ष लग जाएं, मनमानी के साथ किसको देनी है किसको नहीं देनी पर्यावरण की परमिशन, संबंध में अफवाहें थी वो अब सच साबित हुई है। इसके संबंध में अफवाहें थी वो अब सच साबित हुई है। इसकी एक कानूनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुकूल देनी चाहिए, लेकिन मनमानी से दी जाए, पार्टी का हित किसमें है और पार्टी की इच्छा किसमें है सरकार और कानून ये तय ना करे लेकिन पार्टी तय करे, प्रधानमंत्री और सरकार उसमें मूक दर्शक रह जाएं, इस आधार पर ये अनुमतियां दी जाती थी या रोकी जाती थी। ये देश का जो विकास रुका पिछले कई वर्षों में, प्रोजेक्ट्स का विलंब होना उसमें एक प्रमुख माना जाता था। यह देश की अर्थव्यवस्था के साथ एक खिलवाड़ थी, बदले की भावना के साथ अर्थव्यवस्था का संचालन हो रहा था जिसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, और लोगों को तकलीफ देने में इनको आनंद आता था। यूपीए द्वारा संचालित देश में शासन में जिसको सेडिस्टिक इकोनॉमिक्स कहा जा सकता है कि तकलीफ देकर लोगों को उसमें आनंद लेना, शासक दल इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहा था। निश्चित रूप से जिन्हें अनुमतियां दी गई या जिनकी रोकी जाती थी, अब दायित्व पर्यावरण विभाग के ऊपर है कि इन सब के ऊपर पुनः विचार करें ताकि कानून की व्यवस्था फिर कायम हो और इन अनुमतियों का संचालन केवल कानून के मुताबिक हो, शासक दल के नेताओं की मनमानी के मुताबिक ना हो। इन टुडेज न्यूज़पेपर्स, अ लेटर रिटन बाय द फॉर्मर एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिसेस जयंती नटराजन टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज बीन पब्लिश्ड। What was so far rumored has been established to be true. Any government which administers the country, its foremost responsibility is to administer the economy of the country. The growth rates had radically gone down during the UPA government, and one of the prime reasons was that there was delay in approvals being granted to projects. Projects worth lakhs and lakhs of crores were held up for want of permissions. Today's letter conclusively establishes that it was not the statutory considerations, the mandatory considerations, which weighed with the ruling party and the government, but what weighed with them was the whims of political leaders of the party as to who is to be granted an environmental permission